हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता जायका। तो गाइस, आज मैं आपके लिए दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। आमतौर पे लड्डू तो मीठे होते हैं, लेकिन ये राम लड्डू नमकीन और चटपटे होते हैं। तो दिल्ली में राम लड्डू के ठेले आप लगभग हर बाजार में देख सकते हैं, तो आज हम इसे घर में बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना तो बनता है, साथ साथ आप बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिएगा, तभी तो मेरी रेसिपीज की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नीचे मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मूंग की दाल, 1/2 कप चने की दाल और 1/2 कप उड़द दाल। इन सबको मैंने 2 से 3 घंटे तक सोख करके रखना है। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितने भी टाइम के लिए इसको सोख करके रख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है इसकी चटनी। तो मैंने लिया है धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती और ये मूली के पत्ते, साथ साथ लहसुन की कलियां, मिर्च और अदरक। और इसके साथ साथ हमें लगने वाला है 1 नींबू का रस, 1 या 2 नींबू का रस, आप जैसा खट्टा आपको पसंद है और उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने ये 2 नींबू का रस निचोड़ा है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खट्टी चटनी चाहिए। तो इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने धनिया मिक्सर जार में डाल दिया है, उसके साथ साथ मैंने मूली के पत्ते और लहसुन के पत्ते भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़े से कट करके डालने हैं ये, तो अच्छे से ये ग्राइंड हो जाएंगे। और फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि ये मिर्च डाल दी मैंने इसमें। मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना तीखा आपको खाना हो चटनी। और ये लहसुन की कलियाँ हैं, जो 5 से 6 कलियाँ हैं ये, और अदरक के कुछ टुकड़े हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है, और मैंने ये सेंधा नमक ऐड किया है। मैं जब मुझे कुक करना होता है नमक, तब मैं आयोडीन नमक यूज़ करती हूँ, अदरवाइज चटनी में मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। तो ये देखिए, चटनी तो बढ़िया बन के तैयार हुई है, कितनी बढ़िया और ग्रीन लग रही है ना चटनी अपनी। तो इसको साइड करके अब हम दाल पीस लेते हैं। तो मैंने सारी दाल को मिक्स कर लिया है और 1/2-1/2 करके अभी मैं पीसूंगी, क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, तो मैं ये दाल 2 बार में पीसूंगी। तो मैंने पहले शिफ्ट ले ली है जिसमें नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है, और इसके साथ साथ मैं डालूंगी जीरा, साबुत जीरा डाल दिया मैंने इसमें। तो मैं इसमें अभी पानी नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने अभी सोख किए हुए पानी से इसको निकाला है, तो मैं इसे ऐसे ही ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों शिफ्ट में इसको ग्राइंड कर लिया है दाल को। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ बैटर बनाया है मैंने। और अब हमें इस बैटर को फ्लफी करना है। तो इसके लिए जैसे वो बेसन के पकौड़े बनाने होते हैं तो हम फेंटते हैं ना, या दही वड़े, बस उसी तरह से इसको भी हमें फेंट लेना है। तो ये बड़े सॉफ्ट और बढ़िया बनेंगे। अगर आपको स्पॉन्जी ये चाहिए तो आपको ये फेंटना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सोडा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। आप इस तरह से हाथ से ही फेंट के इसको बनाइएगा। तो इसको इसी तरह से आपको फेंटना है। तो इसको फेंटने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो मैं अभी इसको पानी में डाल के देखूंगी कि ये हो चुके हैं या नहीं। अब देखते चेक कैसे करते हैं कि आपके फ्लफी हो गए या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये कटोरी में पानी लिया और उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ। तो जब ये बैटर ऊपर देख रहे हैं तैर रहा है ये बिल्कुल, ये नीचे अगर कटोरी में बैठा है तो इसका मतलब है कि ये फ्लफी नहीं हुए हैं, और अगर ये तैरने लगा तो ये कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अभी मैंने ये हरी मिर्च कुछ ली है, तो ये भी आप देखोगे कि दिल्ली के जो ठेले होते हैं उस पर ये हरी मिर्च तली हुई खूब मिलती है। तो मैंने इसमें चीरा लगा लिया है इस तरह से, और आप चाहो तो इसके सीड्स निकाल सकते हो, मैंने तो नहीं निकाले हैं। और मैं इसको इसमें डिप करूंगी, ये जो मूंग की दाल है इसमें इसको डिप करूंगी मैं, तो कुछ इस तरह से कोटिंग अच्छे से हो जाएगी इसकी। तो मैं इस तरह से सारी मिर्ची को इसी तरह से इसमें डिप करके और निकाल लूंगी, क्योंकि इसे हमें इसी तरह से फ्राई करना है। और ये जब पकौड़े के ऊपर रखे जाते हैं ना, तो ये भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे पे अच्छे से कोटिंग कर ली है ये मूंग की दाल की। तो अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ये मस्टर्ड ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हो वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें मस्टर्ड ऑयल में ये जो है बना हुआ काफ़ी टेस्टी होता है, मज़ेदार लगता है ये। तो अभी हमने क्या करना है, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो तेल गर्म हो गए हैं, अब मैं इसमें सबसे पहले मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। तो मैं ये सारी मिर्च डाल दूंगी इसमें
फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से पलट के हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए बनके तैयार है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो अब हम चलते हैं राम लड्डू बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने ये जो है मूंग का बैटर जो है वो एक एक स्पून इसमें डाल दिया है, आप चाहो तो हाथ से भी डाल सकते हो। तो इसमें आपको कोई शेप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही स्पून से इसमें एक एक स्पून डाल देना है बैटर। ये थोड़ा इजी मेथड होता है और एक बराबर लड्डू बनते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पून से इस बैटर को डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप कई सारे लड्डू बना सकते हैं एक साथ। तो अभी इसको भी हम टर्न कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना एक साथ कितने सारे राम लड्डू बन गए हमारे। और राम लड्डू को बनाना कितना इजी है ना, और ये खाने में तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया होते हैं। मतलब आप एक बार खा लोगे ना तो आप इसको हर बार बनाओगे ही बनाओगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं टूथपिक ले रही हूँ और इससे प्रिक करूंगी इसमें इस तरह से। तो क्या होगा ना कि ये जो लड्डू हैं ये अंदर से भी बहुत अच्छे जो है पक जाएंगे और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे ये। तो मैंने प्रिक कर दिया, अभी ये राम लड्डू बिल्कुल बन के तैयार हैं। तो अभी इनको भी निकाल लेते हैं हम। तो आपको और भी बनाने हैं तो आप इस तरह से कई शिफ्ट में बना सकते हैं। तो अभी मुझे प्लेटिंग करनी है इसकी, तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो राम लड्डू देख लेते हैं कैसे बने हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये राम लड्डू रख दिए हैं और अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दे रही हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है बट मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मैं इसे हाथ से इस तरह से प्रेस करके और फिर रख रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली इसको जो है प्लेट में सर्व कर सकते हो, आपको इस तरह से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके ऊपर चटनी डाल रही हूँ। तो ये जो चटनी हमने बनाई थी ना, बस वही इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो इस तरह से उसको जो है मैंने पाम में लेके जैसे प्रेस किया, उसकी वजह से क्या है चटनी भी बहुत अच्छे से अंदर चली जाती है इसके, तो खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी भी इसमें डाली है। आप थोड़ा सा टोमेटो केचप, अगर थोड़ा खट्टा मीठा खाते हो तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हो इमली की चटनी अगर आपके पास नहीं है तो। और फिर मैंने ये मूली इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखो ये ग्रेटेड मूली है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ वो मिर्च जो मैंने फ्राई की थी वो मिर्च। तो देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ना। तो अभी तो मैं इसकी गार्निशिंग और अच्छी करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने प्लेटिंग कैसे की है इसकी। तो देखिए लग रहा है ना मज़ेदार ये राम लड्डू। तो आप कैसे भी गार्निशिंग करो, कैसे भी प्लेटिंग करो, ये बहुत बढ़िया लगते ही हैं। तो आप इस तरह से राम लड्डू बना के घर में ज़रूर खाएं। अगर आपने दिल्ली वाले नहीं खाए तो कोई बात नहीं, आप इसको घर में बना के खाइए। तो क्या फ़र्क पड़ता है हम दिल्ली जाके खाएं या हम घर में बना के खाएं। तो आप मज़े से राम लड्डू इन्जॉय करो घर में बना के, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। Till then, bye-bye.